नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु ATP में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं कुछ नया ट्राई करने वाला हूं, बहुत ही छोटी सी, यहां पे बहुत ही कम क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। और आप सभी KVC तो आप हमेशा खेलते ही हैं, नहीं खेलते होंगे तो जानते हैं क्या होता है उसमें। सेम वही करने वाले हम, ट्राई करने वाले मान के चलिए। यदि वीडियो आपको पसंद आती है, ये जो ट्रिक पसंद आती है, ये तरीका आपको पसंद आता है तो नीचे कमेंट करेंगे। ऐसे बहुत सारे वीडियो आप लोग के लिए मैं हमेशा लेके आते रहूँगा। तो आज हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आप सभी को पता है। ऊपर आप देख रहे हैं रेड कलर में जो येलो बैकग्राउंड है, वो वर्ड की एक वर्ड है, इंग्लिश की वर्ड, और नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको एक चूज करना है, यानी आपको बताना है चारों में से सही उसका जवाब क्या होगा। यदि आपको हिंदी पढ़ना नहीं आता तो भी वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं इसे प्रोनाउंस करके बताने वाला हूँ, इसका उच्चारण यानी क्या लिखा हुआ वो आपको बताने वाला हूँ। तो सुन के भी आप बता सकते हैं कि ऑप्शन ए है, बी है, सी है कि डी है। और इसके लिए एक और है, आप लोग को कंडीशन है कि 10 सेकंड आपको देने वाला हूँ, 10 सेकंड में आपको बताना है। और मान लीजिए हो सकता है 10 सेकंड में आप नहीं बता पाएं, कोई बात नहीं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और जितनी मर्जी समय ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि अपने मन से बताएं, मेरे आंसर का वेट ना करें। और उसके बाद फिर आंसर तो बताने ही वाला हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने सही बताया कि नहीं। और नीचे कमेंट में आप लिखेंगे कि 10 सेकंड से पहले आपने जवाब दिया कि बाद में, और सही था कि नहीं आपका जवाब, ये भी आप लिख सकते हैं। या फिर केवल आप ये लिख सकते हैं कि जो मैं 10 यहां पे आपको देने वाला हूं वर्ड्स की मीनिंग, तो उसमें से आपने कितना सही बनाया है, तो इतना आपको करना है। कमेंट जरूर करेंगे जितने मेरे सब्सक्राइबर या जो वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं इतने वर्ड्स बताता हूं आपको, स्टोरी ट्रांसलेशन करता हूं जहां पे नए नए वर्ड्स मिलते हैं उसकी आपको मीनिंग पता है कि नहीं। तो चलिए लेट नहीं करते, सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक, ये तरीकों को इस तरीके को लाइक कर देंगे और स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास। तो सबसे पहला इंग्लिश वर्ड है वो है लिव्ड। अब आपको बताना है लिव्ड का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए जीना, ऑप्शन बी छोड़ना, ऑप्शन सी रहता था, या ऑप्शन डी गिरना। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो अब टाइम आउट हो गया है। अब आपको बताऊंगा इसका सही आंसर है लिव्ड यानी होता था, होता है रहता था, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था, देयर लिव्ड अ बॉय, एक लड़का रहता था। तो इस प्रकार से क्या होता है, रहता था, रहती थी, रहते थे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लिव्ड, क्योंकि ये पास्ट टेंस है इसलिए लिव्ड यानी रहता था, लिव यानी रहना होता है, लेकिन लिव्ड यानी रहता था। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद सेकेंड वर्ड देखते हैं कौन सा है। सेकेंड वर्ड है बिफोर। बिफोर इसका ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। बिफोर का मतलब होता है ए, ऑप्शन ए के बाद, ऑप्शन बी के पहले, ऑप्शन सी आज, या फिर ऑप्शन डी कल। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम आउट। अब आपको बताऊंगा इसका सही आंसर है बिफोर यानी होता है के पहले, जैसे बोलते हैं बिफोर द टाइम, समय से पहले, समय के पहले, तो से पहले, के पहले, यानी पहले को हम बिफोर बोलते हैं, और आफ्टर यानी बाद में, तो आफ्टर बिफोर वाला ये बिफोर था। जिनका सही है उनको बेस्ट ऑफ लक, और जिनका गलत है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग पूरा देखिए, 10 भी गलत हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आपको कम से कम 10 नए वर्ड्स की मीनिंग तो सीखने को मिलेंगे ही। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, सॉ। अब यहाँ पे देखना है सॉ, ठीक है, SAW सॉ, इसका मीनिंग क्या होता है। ए ऑप्शन ए काटना, ऑप्शन बी तैरना, ऑप्शन सी गया, या ऑप्शन डी देखा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम आउट। सॉ का मतलब होता है देखा, ये क्या होता है, सी का पास्ट टेंस होता है, सी यानी देखना, और सा यानी होता है देखा, आई सॉ यानी मैंने देखा। अब उसमें बहुत सारे सेंटेंस आप सभी को स्टोरी में बताता ही हूँ कि क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो आपको सॉ का मतलब पता होना चाहिए। सॉ मतलब होता है देखा, सी का पास्ट टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यस्टरडे। यस्टरडे ऑप्शन ए, यस्टरडे मीन्स शनिवार, ऑप्शन बी आने वाला कल, ऑप्शन सी बीता हुआ कल, या ऑप्शन डी आज। यस्टरडे का मीनिंग क्या होता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम आउट हो गया। यस्टरडे का मतलब होता है
बीता हुआ कल, जी हाँ, जो कल बीत चुका है, जैसे मान लीजिए आज संडे है तो बीता हुआ कल क्या होगा, यस्टरडे क्या होगा, सैटरडे होगा, क्योंकि वो बीत चुका है, पिछला कल है। और आने वाला कल कौन सा होगा, सोमवार, जिसे हम क्या कहेंगे, आने वाले कल को हम बोलेंगे टुमारो। अब आपको पता चल गया, टुडे याने होता है आज, यस्टरडे याने बीता हुआ कल, और टुमारो याने आने वाला कल। तो ये भी आपको नई जानकारी मिली। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हाइट। हाइट का मीनिंग क्या होता है, ऑप्शन ए छिपना, ऑप्शन बी तैरना, ऑप्शन सी काटना, या फिर ऑप्शन डी मारना। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम आउट हो चुका है और आपको बताना चाहूंगा इसका सही आंसर है हाइट का छिपना। जी हाँ, हाइट मतलब होता है छिपना। आप सभी बहुत बार स्टोरी में आपको बताया हूँ कि कहाँ पे क्या छुपा है, कौन छुपा है, तो वहाँ पे हम छिपने के लिए हाइड वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड में, बैनियन ट्री। बैनियन ट्री, ठीक है, बैनियन ट्री को क्या बोलते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए आम का पेड़, ऑप्शन बी बरगद का पेड़, ऑप्शन सी नीम का पेड़, या फिर ऑप्शन डी पीपल का पेड़। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। और टाइम आउट हो चुका है, इसका सही आंसर है बरगद का पेड़। बैनियन ट्री यानी होता है बरगद का पेड़। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इसके बाद बहुत बार स्टोरी में आप सभी को बताया भी था मैंने, आपको बताना है माउंटेन। माउंटेन का मीनिंग क्या होता है, ए नदी, बी पत्थर, सी समुद्र, या फिर डी पहाड़। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम आउट हो चुका है, माउंटेन का मीनिंग होता है पहाड़। माउंटेन यानी पहाड़। ठीक है, और आपको बता दूं, पत्थर याने होता है जो रॉक को बोलते हैं हम चट्टान, स्टोन याने पत्थर, नदी याने रिवर होता है, समुद्र याने सी। ठीक है, ओशियन भी बोलते हैं, महासागर को बोलते हैं, लेकिन सी समुद्र को कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड में, जो कि है मिरेकल। मिरेकल का मीनिंग क्या होता है, ऑप्शन ए सम्राट, ऑप्शन बी चमत्कार, ऑप्शन सी सज्जन, या फिर ऑप्शन डी जादूगर। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। और टाइम स्टॉप हो चुका है, आपका टाइम ओवर हो चुका है। मिरेकल का मीनिंग होता है चमत्कार। मिरेकल का मतलब क्या होता है, चमत्कार। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे सम्राट है, तो सम्राट हम किंग को बोलते हैं, किंग यानी जो राजा होता है, सम्राट होता है। और यहाँ पे आपको पता हूँ जादूगर, तो जादूगर आपको पता है मैजिशियन को बोलते हैं, मैजिशियन यानी जादूगर होता है। सज्जन यानी कि हम बोलते हैं जेंटलमैन बोलते हैं उसका, उसे हम सज्जन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है लिसन। लिसन का मतलब क्या होता है, ऑप्शन ए सुनना, ऑप्शन बी देखना, ऑप्शन सी बोलना, या फिर ऑप्शन डी हिलना। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, लिसन का मीनिंग होता है सुनना। लिसन टू मी, मुझे सुनो। लिसन द सॉन्ग, इस गाने को सुनो, गाने को सुनो। तो लिसन का मतलब होता है सुनना। ठीक है, देखना आप सभी को पता है सी मीन्स देखना होता है, टॉक मीन्स बोलना होता है, और मूव यानी वहाँ से हिलना होता है कहीं से, उस जगह से। तो इस प्रकार से सबकी मीनिंग है, लेकिन लिसन का मीन क्या होता है, सुनना। आगे बढ़ते हैं, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, ऑप्शन ए गार्डन, ऑप्शन बी महल, ऑप्शन सी जंगल, या फिर ऑप्शन डी विदेशी। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो यहां पे टाइम आउट हो चुका है, आपको बता दूं फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। आप सभी को पता है
उसी प्रकार से गार्डन, तो आप सभी को पता है गार्डन को गार्डन ही बोलते हैं हिंदी में, से हम बगीचा कहते हैं। उसी प्रकार से आपका यहाँ पे है महल, ठीक है, महल यानी पैलेस होता है। विदेशी यानी होता है फॉरेनर, फॉरेनर यानी होता है विदेशी। तो यहाँ पे हमारे जो 10 वर्ड है वो कंप्लीट होते हैं। फिर से एक बार आपको बताता हूँ, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, लिशन का मतलब होता है सुनना, मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार, माउंटेन का मतलब होता है पहाड़, बैनियन ट्री का मतलब होता है बरगद का पेड़, हाइड मतलब होता है छिपना, यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, सॉ याने होता है देखा, बिफोर याने होता है के पहले, लिव मतलब होता है रहता था। तो ये थे आज के, मतलब ये थे आज के 10 वर्ड, बस 10 ही मैंने लाया है। यदि आपको ये ट्रिक पसंद आ रही है, मतलब ये जो तरीका है जो मेरे सिखाने का नया जो ट्रिक है, यदि आपको ये पसंद आ रहा हो, तरीका पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करेंगे। यदि आप बोलेंगे तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स के मैं एक साथ इस प्रकार से वीडियो ला सकता हूँ, 10 लाया हूँ, 20 ला सकता हूँ, 50 ला सकता हूँ। आप लोग जो बोलेंगे मैं वो करूँगा, क्योंकि आप लोग के लिए मैं यहाँ पे हूँ। आप जैसे बोलेंगे वैसे ही मैं पढ़ाऊँगा, आपको जो सुविधा लगे, जो सही लगे। तो ये थी आज की क्लास, थोड़ी भी पसंद आई हो, तरीका पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। मुझे जानना है, आप लोग ईमानदारी से बताएंगे, कोई यदि आप जीरो भी पा रहे हैं ना, तो ईमानदारी से आप बताइए। मैं जो ईमानदार की सबसे ज़्यादा सबको ही तारीफ करते हैं, जीरो भी पाओ कोई बात नहीं, आप ईमानदारी से सही तो बता रहे हो कम से कम, कोई बात नहीं। 10 नहीं पता आज तो आपको पता चल गया 10 वर्ड की मीनिंग, और यदि आपको पता था तो आप सभी को बहुत बहुत इसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आप सभी को इसका कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी को इसका आंसर पता था। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें इस प्रकार के और भी बहुत सारे आपको नए नए चीज़ देखने को मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।